इतनी मुसीबतें सहने के बाद भी शो और उसके दोस्त आखिरकार एक्स सिटी तक पहुंच ही गए। वहां के मेयर ने भी उनसे कहा कि 10 गोल्ड एम्बलम से सील डोर खुल सकता है और वो अपने घर लौट सकते हैं। इधर काबू ने वहां एक एडाटन बैटल टूर्नामेंट करवाने का ऐलान कर दिया, जिसमें शामिल होने बहुत से रेसर्स आए हैं और जो भी इसमें जीतेगा उसे 7 गोल्ड एम्बलम्स इनाम में मिलेंगे। अब वो नॉकआउट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। The Darten Tournament. एक बात कहूं, हम तो बस ऐसे ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। लग रहा है कि ये सब लोग यहाँ क्वालिफाई करने के लिए आए हैं। हाँ सही कहा। वाओ, मैंने भी नहीं सोचा था यहाँ इतने लोग आएंगे। हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं ना। बताओ कैसे हो तुम लोग? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीम हाइपर ब्रेन। ये तुम्हारे लिए है। तो तुम भी टूर्नामेंट के लिए आए हो ना? ये भी कहने की बात है, एक सिटी के सारे टॉप क्वालिटी के एमटीबी रेसर्स इसमें भाग ले रहे हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अब हम कितने बेहतर हो गए, तुम तैयार रहना। हाँ? कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है ना। हाय शो। हाँ? हम भी टूर्नामेंट में भाग लेने आए हैं। देखो रेन और मिस्टर जैन भी आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम फिर से हमें मिल गए। टूर्नामेंट के लिए गुड लक। मुझे भरोसा है कि तुम लोग अच्छा करोगे। अब ट्रैक पर मिलेंगे। बिल्कुल। वाओ। वाओ। अरे वाह, एमटीबी राइडर्स भी यहाँ मदद करने आए हैं, ये अच्छा है ना? उन्हें भी टूर्नामेंट के बारे में पता लगा होगा, इसलिए वो भी यहाँ मदद करने आए हैं। वाओ, ये ट्रैक तो काफी मुश्किल लगता है। बहुत मजा आएगा। ये सब तो बड़े ही कमाल के राइडर्स हैं। इस कोर्स के लिए रेस में टफ होना होगा, जो कमजोर होगा वो हीट भी पार नहीं कर पाएगा। अरे उसे देखो जरा, वो रेस कर रहा है या खेल दिखा रहा है? हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। तुम ठीक तो हो ना बच्चे? हाँ, I'm sorry. तुम क्वालिफाई तो हो गए हो, सिर्फ एक सेकंड से। आप सच कह रहे हैं? मैं बड़ा लकी हूँ ना? जरा उसे देखो, बड़ा अजीब है। हाँ वो है तो अजीब सा, मगर उसे भी टूर्नामेंट में रेस करने का मौका मिल गया है ना। देखो क्योंइची। हाँ? क्योंइची, तुम पूरी तरह से ठीक हो गए? हाँ, और मेरी थंडर एम्परर भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम भी डार्टन टूर्नामेंट में भाग लेने तो नहीं आए हो? हाँ आया हूँ, और मुझे भी तुम्हारी तरह ही सीधे क्वालिफाइंग राउंड्स में जगह दी गई है। अच्छा हुआ कि तुम्हें स्क्रैच से शुरुआत नहीं करनी पड़ी, इससे पता लगता है कि गाबू के टेस्ट में दम है। बड़े बेवकूफ हो तुम। गाबू ने एक जाल बिछाया है। वो इतने समय से हमें एक्स सिटी में आने से रोक रहा था, फिर अचानक उसकी सोच बदल कैसे गई? अगर ये बात है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम भी बेवकूफ हो मिस्टर अकलचंद। मैं तो यहाँ ये पता लगाने आया हूँ कि वो असल में चाहता क्या है, और फिर अगर मैं जीत गया तो मुझे 7 गोल्ड एम्बलम्स मिलेंगे, वो मेरे काम आएंगे। क्या मतलब तुम भी गोल्ड एम्बलम्स जमा कर रहे हो? मैंने ये बात पहले नहीं बताई थी, मगर मैं भी 10 गोल्ड एम्बलम्स जमा करना चाहता हूँ ताकि एक्स सिटी का सील डोर खोल सकूँ। मैं गाबू को इस शहर से बाहर निकाल कर यहाँ के लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो, हम भी यही चाहते हैं, क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें? बिल्कुल नहीं, मैं ये मिशन अकेले ही पूरा करना चाहता हूँ। तुम भी कोशिश करो, मगर अपने तरीके से। आपको एक बात मालूम है, अब हमारा आखिरी हीट कंटेस्टेंट रेस करने जा रहा है। पहली हीट के बाद ही वो सबसे आगे है। देखिए वो वहाँ है। जी हाँ, वो है शैडो। जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। ये कौन है? ये तो और भी बड़ा अजूबा लग रहा है। इसने अभी अभी नया रिकॉर्ड बनाया है, आप स्कोर बोर्ड देख लीजिए। उसके पास अपने क्लोजेस्ट कंपेटिटर से कहीं ज्यादा पॉइंट्स हैं। वो भी इसमें है, और हमें यकीन है कि वो आखिर तक कड़ी टक्कर देने वाला है। उससे सावधान रहना होगा।
सुनो शैडो। सर। तुमने आज तक कई रेसों में हमें जीत दिलाई है। तुमने हमारी बात मानकर अपने कई दुश्मनों को खत्म भी किया है। अब तुम्हारा सामना एक बिल्कुल नए दुश्मन से होने वाला है। जानते हो ना, उसे हराने के बाद तुम्हें एक शानदार इनाम मिलने वाला है। उसके बाद से तुम किसी भी ओपन एमटीबी टूर्नामेंट में भाग ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। फिक्र मत कीजिए, वो बच्चा मेरे सामने दो मिनट भी नहीं टिक पाएगा। टीम शार्क टूथ लाई है ये टाइटन बैटल टूर्नामेंट। वेलकम। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, मगर मैं पहले आपको इसके नियम बता देती हूँ। 3,000 एप्लीकेंट्स में से हमने 16 बेस्ट कंटेस्टेंट्स को चुना है और वो सुपर स्किल्ड राइडर्स। अब यहाँ जबरदस्त मुकाबला करेंगे। बढ़िया। सिर्फ 16 को ही चुना है, मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। हमने राइडर्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है, ए और बी। दोनों ग्रुप के विनर का मुकाबला होगा फाइनल्स में और फिर वो मुकाबला करेंगे 7 गोल्ड एम्बलम्स जीतने के लिए। जरा सोचो, हम 7 गोल्ड एम्बलम से कितना कुछ कर लेंगे। मगर एक बात और है, हारने वाले राइडर्स को अपने सारे एम्बलम्स भी टूर्नामेंट के विनर को देने पड़ेंगे। अपने भी सारे एम्बलम्स देने पड़ेंगे? ये भला कैसा नियम हुआ? मैं जानता था कि वो कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं उन 16 फाइनलिस्ट के नाम बताती हूँ जो टूर्नामेंट में पहुँच चुके हैं। ग्रुप ए में है ये क्या, अशोक, योजी और मैं तीनों ग्रुप ए में हैं? और ग्रुप बी में है कोई और टाइगर दोनों ग्रुप बी में। इसका मतलब हमारा उनसे मुकाबला सिर्फ फाइनल्स में ही हो सकता है। इंटरेस्टिंग, काफी सोच समझकर काम किया है। शो और मकोटो एक ही ग्रुप में हैं, जिसका मतलब है कि तुम दोनों में से एक दूसरे का एम्बलम भी ले लेगा। मुझे लग रहा है कि गाबू उन्हें फाइनल में तुमसे छीनने की कोशिश करेगा। मुझे पहले से ही इसका अंदाजा था। शैडो, हमने से थोड़ी देर पहले देखा था। और अब तैयार हो जाइए, पेश है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, वो शख्स जो एक मिथ है, एक लेजेंड है, टीम शार्क टूथ के लीडर मिस्टर गाबू सामाजीमा। स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ गाबू सामाजीमा, एक्स सिटी का राजा। मामी, डर लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबको आपके पार्टिसिपेशन और सपोर्ट के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। मगर दोस्तों, ये टूर्नामेंट इतना भी आसान नहीं होने वाला है। अगर आपको जरा भी लगे कि आप में इस टूर्नामेंट के लायक दम नहीं है, तो अपना नाम वापस ले लो। हारने वाला यहाँ से खाली हाथ वापस जाएगा और जीतने वाले को मिलेगा इनाम। समझ गए? अरे बेवकूफ, मैं तुम लोगों को कैसे खा सकता हूँ? मैं एक होलोग्राम हूँ, मैं यहाँ हूँ ही नहीं। तुम एक होलोग्राम हो? तुम्हें लोगों को डराना बहुत पसंद है ना? हे, मेरी बात सुनो शो। हे शो यमाटो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर देखो। हो, हे गाबू, तुम ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या कहा? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें तो डर के मारे बेहोश हो जाना चाहिए था। तुम देख रहे हो ना, मैं तुमसे कितना बड़ा हो गया हूँ। अरे हाँ, तुम तो और ज्यादा मोटे हो गए हो ना। ये क्या बक रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? वाह, ये लड़का तो बड़ा ही बहादुर है। चलो ठीक है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो शो यमाटो, मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। अब ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है, इसलिए ऑडियंस को पूरा मजा देने की तैयारी कर लो। रेस शुरू करो। बहुत खूब, इटन बैटल टूर्नामेंट अब शुरू होने जा रहा है। हम शुरुआत कर रहे हैं ग्रुप ए से। इसमें ब्लू ट्रैक पर है टीम हाइपर ब्रेन के जून और उनके सामने है रेड ट्रैक पर एमटीबीजीएस की ओइची शीडो।
टीम हाइपर ब्रेन वर्सेस क्योइची शिरो, हाँ इस रेस में तो बहुत मजा आएगा। 8 out of 10, गो। वाओ, क्या शुरुआत है, वो इतना तेज कैसे जा रहा है? अरे नहीं, मैं उसके करीब ही नहीं पहुंच सकता। कमाल कर दिया उसने, वो उससे काफी आगे था। लग रहा है हमें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी अपने भाई की तरह मेरी रेस जीतूंगी। तुम्हारी रेस प्लेग्राउंड कोर्स पर होने वाली है, इसलिए सावधान रहना। 3rd race. यहाँ आओ शो यमाटो। अरे वाह, ये ऐसी ही बात करती है। मैं पहले तुम्हें ये कोर्स सिखा देती हूँ। ये है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। तुम्हें इसी ट्रैक पर उस तरफ जाना है और उसके पार ही है तुम्हारे फिनिश लाइन। मगर ये मत भूलना कि ये कोर्स बड़ा ही खतरनाक है और तुम्हारा सामना भी एक बड़े टफ ओपोनेंट से है। अच्छा होगा तुम सावधान रहो। मतलब इसे इन रेलवे ट्रैक्स पर रेस करनी है? वाओ, ये तो बड़ा ही अनोखा ट्रैक है, पहले कभी रेस नहीं की इस पर। लेकिन मेरा ओपोनेंट कहाँ पर है? मैं यहाँ हूँ बच्चे। सॉरी, कहाँ हो? तुम्हें ऐसे नहीं डराना चाहिए मुझे। हाय, मैं हूँ शो यामाटो, मेरी तरफ से गुड लक तुम्हें। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो मेरा सामना करें। मैं कई साल से अंधेरे और मुसीबतों के बीच रहा हूँ, वो जगह अच्छी नहीं है। अब मुझे मौका मिला है कि मैं अंधेरे से बाहर रोशनी भरी दुनिया में आ सकूं। और याद रखना, मैं तुम्हारे जैसे बच्चे की वजह से वो मौका नहीं खोने वाला, समझ गए? और मैं भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे इस रेस में नहीं हरा पाओगे। तुम बहादुर तो हो बच्चे, मगर ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। रेस खत्म होने के बाद ही विनर का पता चलता है। ये तैयार लग रहे हैं, ये रेस बड़ी जबरदस्त होगी। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजो। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन, गो! मैंने बाइक सस्पेंशन को ढीला किया है, जिससे हैंडल बार्स काफी फ्लेक्सिबल हो गए हैं। तुम्हें रफ एरियाज पर उनकी जरूरत पड़ेगी, मगर मोड़ पर ज्यादा तेजी से मत मुड़ना, क्योंकि इसमें खतरा है। थैंक्स काकेरू, बाइक बहुत स्मूथ चल रही है, तुमने मेरी जीत और आसान कर दी है। सचमुच करती है। इसकी लाइट बंद हो गई, इसी वजह से लोग उसे शैडो कहते हैं, अचानक गायब हो जाता है। कहाँ गया वो? अचानक कहाँ गायब हो गया? जाने दो, वो कहीं भी गया मुझे क्या, मैं तो बस रेस पर ही फोकस करूंगा। तुम मुझसे आगे निकलने के बारे में सोचना भी मत, मैं साफ देख रहा हूँ कि तुम कहाँ हो। आओ और करीब आओ, और करीब, ताकि तुम्हारी बाइक को लात मार सकूं। आओ ना। उसने वो लंबा सा काला कोट पहन रखा है, उसी की वजह से अंधेरे में वो नजर नहीं आता है। अगर मैं उससे आगे निकल जाऊं तो शायद मैं उसे देख पाऊं।
ये मैच चला, मुझे उसके हमलों से बचकर उससे आगे निकलना होगा। मैंने कहा था ना कि मुझसे आगे निकलने की कोशिश मत करना। अरे नहीं, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। मुझे उधर नहीं जाना था। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। Excuse me, माफ करना। अब इससे ज्यादा खतरा और क्या ले सकता था। जीत तो मेरी होगी। मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गए शैडो। ये लड़का तो बहुत लकी है। वो फिर से गायब हो गया। अरे हाँ, यहाँ इतना अंधेरा है, इसका मतलब कि वो भी मुझे नहीं देख पा रहा होगा। बिल्कुल सही, इसके बावजूद वो मुझ पर अटैक कर रहा है। मतलब उसे मेरी बाइक की आवाज से पता लग रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। बड़ी अजीब बात है, मेरी बाइक की आवाज आ रही है पर उसकी बाइक की नहीं। वो खुद को छिपा भी रहा है और अपनी बाइक की आवाज को भी नहीं आने दे रहा। ऐसा कैसे, जरूरी उसकी कोई चाल है। आवाज से तो यही लग रहा है कि वो शायद अपनी हार मान चुका है। उसकी बाइक से अब कोई आवाज नहीं आ रही, क्या बात है। तो तुम ये कर रहे थे, तुम इन पटरियों पर बाइक चला रहे हो जिससे उसकी आवाज नहीं आ रही है ना। मैंने भी तुम्हारी नकल की जिससे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अब मैं कहां पर हूँ। जैसे को तैसा मैं तो चला। इतना भी आसान नहीं है मुन्ने, अभी मेरे पास बहुत सी चालें हैं। अब तुम जाओगे नीचे। शैडो, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया? ऑप्सी, वहाँ ये क्या हुआ? शैडो तो ट्रैक से बाहर आ गिरा है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। शो यामाटो ने ये रेस जीत ली है। वैसे रेस इतनी आसान नहीं थी, मगर ज्यादा मुश्किल भी नहीं थी। मैंने अपना फोकस बनाए रखा और मैं ये रेस आसानी से जीत गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगली रेस इतनी आसान नहीं होने वाली है। जानता हूँ, मगर मुझे कॉन्फिडेंट रहना होगा। मकोटो को अब अगली रेस में शो का सामना करना है। कुछ गड़बड़ है मिसियो की? हाँ, टावर के ऊपर देखो। वही है काबू। Dash set, let's go! तुम देख रहे हो ना शो? ध्यान से देखो, मेरे और तुम्हारे बीच यही फर्क है। इसने ये ट्रिक कहाँ से सीखी? कमाल है, तुमने देखा ना उसने वो जंप कैसे की? जानते हो, मैं इस दुनिया से बड़ा बोर हो गया था। मालूम है मुझे अब क्या चाहिए शो? हाँ, मुझे चाहिए एक्साइटमेंट। अमेजिंग, तो ये है गाबू और उसकी ब्लडी फैंग की असली ताकत। शो ने इडाटन टूर्नामेंट का पहला राउंड तो बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब उसे अपने ही दोस्त और टीममेट मकोटो के साथ रेस करनी होगी,
कितनी अजीब किस्मत है। क्या शो और उसके दोस्त सारे गोल्ड एम्बलम्स जमा करके सील डोर खोलने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। व्हीली जंप, अपने हैंडल बार्स को स्टैंडिंग फॉर्म में ऊपर की ओर खींचो, फिर एक व्हीली पर जंप करो, उसके बाद पिछले पहिए पर लैंड करो। जब 360 सब रॉक कर रहे हो तब हवा में 360 डिग्रीज पर जंप करो और साथ में शरीर को स्पिन भी करो। श्योर, मैंने पहली बाधा तो पार कर ली है, मगर अब सेकंड राउंड में हमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करना है। शो तो हमेशा की तरह रेस की तैयारी में जुटा हुआ है, मगर मैं इस रेस को लेकर ज्यादा खुश नहीं हूँ। अच्छा हुआ कि मिस यूकी ने नेपच्यून को फाइन ट्यून करने के नए उपाय सोच लिए हैं, मगर ये बड़ी अजीब बात है कि अब दो अच्छे दोस्तों को एक दूसरे के साथ रेस करनी पड़ेगी। रेस में क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में। इडाटन जंप, फ्लेम काइजर वर्सेस नेपच्यून, राउंड 2 ऑफ द टूर्नामेंट। चलो नेपच्यून हम जीत सकते हैं।